पेपर लीक होने के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया। राजस्थान से यह खबर, जिससे किसी की भी मेहनत युवा के साथ अन्याय ना हो सके, मेहनत जाया ना जाए, ये बड़ी खबर। बाकी परीक्षाएं जैसी है, जो शेड्यूल वैसी जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जहां सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि शिक्षक भर्ती की जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, सिर्फ उसको एहतियातन निरस्त किया गया, जिससे किसी की भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो और बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये अशोक गहलोत का ट्वीट आपके सामने, और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की बात भी कही है अशोक गहलोत ने, जो ट्वीट इन्होंने किया है। तो दुर्भाग्य से देश भर में पेपर लीक करने वाले गैंग हैं इस तरीके से, देखिए ट्वीट भी अब सामने आ रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अशोक गहलोत का ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, और जिससे कई राज्यों में यहाँ तक कि किस तरीके से पेपर लीक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उसको लेकर के ये चिंतित करने वाली बात है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी बातों का जिक्र इन्होंने अपने ट्वीट में किया। टीचर भर्ती परीक्षा रद्द, ये गहलोत की तरफ से कहा गया, बाकी परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक होने का जो पूरा मामला है उसके बाद स्टूडेंट्स कैसे धरना दे रहे हैं, और प्रशासन से भी देखिए कैसे झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। और पेपर रद्द करने के बाद ये सरकार के खिलाफ भी, शासन प्रशासन के खिलाफ युवाओं का यहाँ गुस्सा है। और ये 4थी तस्वीर भी आपको हम इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहाँ पर जांच भी शुरू की जा चुकी है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। तो राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ और अब भी जारी है। परीक्षा से पहले एक और भर्ती परीक्षा का पेपर आज सुबह लीक हो गया था। राजस्थान में आज यहाँ सेकेंड ग्रेड अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी, परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा और छात्रों ने जमकर फिर प्रदर्शन किया। राजस्थान का मुन्ना भाई कौन, पेपर लीक सरकार कब लेगी सीख, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों, ये वो सवाल है जो राजस्थान के छात्र सरकार से पूछना चाहते हैं। और इसका कारण है राजस्थान में लगातार पेपर का लीक होना। राजस्थान में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का सिलसिला जारी है। आए दिन राजस्थान से पेपर लीक होने की खबरें सामने आती रहती हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। परीक्षा शुरू होने से महज पहले परीक्षा कैंसिल कर दी गई, और परीक्षा कैंसिल होने की वही एक वजह थी पेपर का लीक होना। दरअसल उदयपुर में एक बस पकड़ी गई है। इस बस में राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के करीब 40 से 45 अभ्यर्थी सवार थे। कहा जा रहा है किसी बस में भर्ती परीक्षा का पेपर मिला है। अभ्यर्थियों के पास से मिले पेपर का भर्ती परीक्षा के पर्चे से मिलान कराया गया तो ये मैच कर गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमा एक्टिव मोड में आ गया है। इसकी जानकारी तत्काल उच्च अधिकारियों को दी गई। उच्च अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आज वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा इसके ग्रुप सी की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होनी थी 28 जिलों के विभिन्न केंद्रों पर, और उसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को कुछ इस तरह का इनपुट जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिससे आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस परीक्षा को अभ्यर्थियों के हित में स्थगित किया जाना उचित रहेगा। तो उस दृष्टि से परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा के रद्द होने की वजह से छात्र बेहद गुस्से में दिखे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेपर लीक होने के बाद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय न हो, बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी, सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो वही पेपर लीक होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी नेता ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नाकामी है और इसी वजह से पेपर लीक हो रहा है।
तो वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए अपनी सरकार का बचाव किया। 2018 में काबिज हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसने किसानों के सपने तोड़े और बड़ा पाप किया, नौजवानों के सपने तोड़े। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे ठगा सो ठगा, लेकिन कोर्ट में खाज का काम हुआ कि लगातार एक के बाद जिस तरीके से राजस्थान में संगठित नकल का माफिया पनपा और उसके बाद जो पर्चे लीक हुए और उन पर्चों में जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण ये कहा गया, लगातार उसी घटना में एक किस्सा और जुड़ गया। जब सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो जाता है, अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को शायद इल्म नहीं है कि उन्होंने कितने राजस्थान के नौजवानों के सपने तोड़े हैं। इससे पहले 12 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। LDC क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर इसे रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा सूबे की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट का पेपर लीक होने के बाद इसे भी रद्द करना पड़ा था। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का पेपर भी लीक हो गया, जिसे रद्द करना पड़ा। राजस्थान सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा लीक होने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए तमाम दावे किए जाते रहे हैं। सरकार सख्ती से निपटने के दावे तो करती है, लेकिन पेपर लीक के मामले में कमी आती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।